ज़िला इंतज़ामिया ने कुर्बानी के जानवरों की खालें इकट्ठी करने की इजाज़त दे दी है। मजमुई तौर पर 245 तंजीमों एनजीओज़ को इजाज़त दी गई है। डीसी लाहौर का कहना है कि पिछले सालों की नस्बत ज़्यादा तंजीमों को खालें इकट्ठी करने की इजाज़त दे दी गई है। ज़िला इंतज़ामिया ने कुर्बानी के जानवरों की खालें इकट्ठी करने की इजाज़त दे दी है और ये भी बता दिया गया है कि मजमुई तौर पर 245 तंजीमें हैं एनजीओज़ हैं जिनको ये इजाज़त दी गई है। डीसी लाहौर का कहना है कि पिछले सालों की नस्बत ज्यादा तंजीमों को खालें इकट्ठी करने की इजाजत दे दी गई है। बात कर लेते हैं, इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान बताइएगा, डीसी का मजीद क्या कहना था? बिल्कुल, चूंकि 245 तंजीमों को एनजीओ को इस वक्त इजाजत मिल गई है खाने जमा करने की, जबकि पिछले सालों की नस्बत ज्यादा तंजीमों और एनजीओ को खाने इकट्ठे करने की इजाजत नहीं दी गई थी। इस वाले से डीसी लोर का कहना है कि तंजीमों में एनजीओ को इजाजत सख्त सिक्योरिटी के बाद दी गई है। सिक्योरिटी में जिला इंतजामिया ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान भी शामिल थे, जबकि इजाजतनामा महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से जारी करदा हदायत की रोशनी में दिया गया है। कुछ तंजीमों और एनजीओ को सिर्फ सड़कों पर खाले इकट्ठी करने की इजाजत दी गई है, जबकि कुछ तंजीमों और मदारिस को सिर्फ तंजीमों और मदारिस की बिल्डिंग में खाले इकट्ठे करने की इजाजत दी गई है। हर तंजीमों और एनजीओ के इजाजतनामे में खाले इकट्ठे करने के लिए मकामात का भी तयन कर दिया गया है। तयन करदा मुकाम के अलावा खाले किसी दूसरे मकाम से इकट्ठे करने की हर किस इजाजत ना होगी। इजाजतनामा के बगैर खाले इकट्ठे करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में जोन की सतह पर इन्फोर्समेंट टीमें फील्ड में मौजूद होंगी, जबकि गैर कानूनी तौर पर खाले इकट्ठे करने पर मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे। जी शुक्रिया इमरान मलिक, तफसीलात से आगाह किया।